नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां विकासखंड अलैपुर के पंचायत घर में ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने बताया कि ISO सर्टिफिकेशन हेतु धामपुर की पंचायत अलैपुर का चयन हुआ है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंचायतों को ISO सर्टिफिकेशन हेतु 5 से 7 जुलाई 2023 को केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केरल में होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए जनपद महोबा, सिद्धार्थनगर और बिजनौर की एक एक ग्राम पंचायत का चयन हुआ है, जिसमें हमारे विकास खंड धामपुर की पंचायत अलैपुर का चयन होना हमारे लिए गर्व की बात है, जिसके तहत ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार, सचिव नीरज कुमार, पंचायत सहायक कविता रानी व सारी टीम बधाई की पात्र है। चयन में मुख्य बिंदु ग्राम पंचायत में सहायता केंद्र की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सरकारी भवनों में वाहन पार्किंग, पंचायत घर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, वाईफाई कैंपस, प्रोजेक्टर LED व्यवस्था, शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था, स्वच्छता निगरानी आदि बिंदु चयन का आधार बने। देखिए, हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष ISO प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश से 3 जनपद की एक ग्राम पंचायत का चयन हुआ है, जिसमें महोबा की एक ग्राम पंचायत है, सिद्धार्थनगर की एक ग्राम पंचायत है और एक जनपद बिजनौर की अलहपुर ग्राम पंचायत है, जो कि खंड विकास अलहपुर की अलहपुर ग्राम पंचायत है। और इसके चयन में मैं समझती हूँ कि आप सभी का भी बहुत ही सहयोग है, क्योंकि आपने समय समय पर हो रहे विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने में अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाया है, इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। ISO प्रमाण पत्र के कुछ मानक हैं, ये उद्योगों को भी दिए जाते हैं और ग्राम पंचायतों को भी दिए जाते हैं, लेकिन दोनों के मानक अलग अलग हैं। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आम जन पर ध्यान देना, नेतृत्व करना, जिसमें वो सुझाव ले सकते हैं और प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा, सुधार कार्य और तकनीकी के माध्यम से कार्य करना, आम जन का क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और साक्ष्यों के आधारित निर्णय लेना, ये सब कुछ बिंदु हैं जो इस मानक को पूरा करते हैं। और आपने देखा होगा कि अलहपुर जो ग्राम पंचायत है, वो एक मॉडर्न पंचायत के सभी मानकों को पूरा करती है और अब 5, 6, 7 3 दिवसीय कार्यशाला है केरल के त्रिशूर नामक जगह पे, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधान जी जाएंगे इस कार्यशाला में और वहाँ जो भी प्रशिक्षण लेंगे, फिर वहाँ से जब ये आएंगे तो फिर देखेंगे हम कि और कौन कौन से कार्य हैं जो हमारे ग्राम पंचायत में होने हैं, जो उन मानकों को पूरा करेंगे। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी 30,000 रुपये की, जो ग्राम पंचायत ही पे करेगी। उसके बाद जो है ISO के अधिकारीगण आएंगे यहाँ देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए 3 बार। फिर उस मानक पर अगर हमारी ग्राम पंचायत पूरी खरी उतरती है तो उनके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारी ग्राम पंचायत को ये फायदा होगा कि इससे एक तो प्रेरणा मिलेगी और अधिक अच्छे काम करने की। आम जन को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, उनकी जानकारी और अधिक मिलेगी और उन्हें ये लगेगा कि सरकार धरातल पर कार्य कर रही है और हमारी ग्राम पंचायत जो कि अलहपुर है, इसका चयन हुआ है, इसको देख के जो अन्य ग्राम पंचायत हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अच्छा कार्य करें, ताकि आने वाले वर्षों में उनका भी चयन ISO प्रमाण पत्र के लिए चयन। साथ ही श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए अलहपुर ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह, नसीम अहमद ADO पंचायत, सचिव नीरज कुमार, पंचायत सहायक कविता रानी, सुदेश कुमार, विकास कुमार, निकी शर्मा, रविंद्र सिंह, खेम सिंह आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।